झांसी के गराठम में विगत दिनों कुछ लोगों द्वारा असलहे के दम पर नाबालिग किशोरी को बहला फुसला कर भगा ले जाने और पुलिस द्वारा मामला दर्ज अपने मन वापस किए जाने से परेशान परिजनों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहां पहुंचकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित पक्ष द्वारा बताया गया है कि झांसी के गराठा थाना क्षेत्र के ग्राम निपान निवासी सूरज सिंह ने बताया कि उसकी लड़की उम्र करीब 14 वर्ष को 30/1/2023 को समय करीब 2 बजे रात्रि के लगभग असलहे के दम पर बहला फुसला कर भगा ले गए, जिसकी सूचना दिनांक 30/1/2023 को थाना गराठा पर टाइप शुदा प्रार्थना पत्र उपरोक्त लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखे जाने हेतु दिया था, लेकिन गराठा थाना के तत्कालीन दरोगा जी ने प्रार्थना पत्र में लिखे व्यक्तियों के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखे व प्रार्थी से 5,000 रूपए की मांग की गई। प्रार्थी की पुत्री का आज तक कोई भी पता नहीं चला है और न ही उक्त लोगों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई है। वहीं दबंगों द्वारा लगातार धमकी दी जा रही है कि शिकायत वापस ले लो नहीं तो अंजाम बुरा होगा। निपान से क्या कौन सा है गरोठा क्या मामला है? हमारी बेटी रात के 30 तारीख को रात के समय 2 बजे प्रिंसु और प्रिंस नारायण उनके पिताजी हैं जे लोग और उनके साथ में 4-5 लोग और थे। 2 बजे रात के हमारी बेटी को ले गए, हमारा पूरा जितना जेवर था पूरा जेवर ले गए हैं और 6 तारीख को जी फिर आए छोटू और सुनील कट्टा भी ले थे साथ में और दोनों झड़पी दे रहे कि जो तुमने जो रिपोर्ट लिखी जब वापसी करो और नहीं तो हम तुमको फिर देख लेंगे। और जो हमारी 2 बेटी ब्याविका हैं सियानी हैं और उनकी शादी है साहब पास कुछ नहीं है, बेटी चली गई। कौन है वो लोग जो ले गए दमंग में? दमंग में बहुत उसकी शिकायत थाने में करी थी? हाँ थाने में करी थी, कोई सुनाई नहीं आई। क्या कहा थाने वाले? थाने वाले ने रिपोर्ट देने लगे थे लेकिन आप थी नहीं है साहब ने पूछा था। आज कहाँ पर आए? आज हम झांसी आए कप्तान साहब के पास। हाँ क्या आश्वासन दिया? उन्होंने यही क्या देखे चल रही सूचना साहब। क्या चाहते हो आप लोग? हमारी बेटी आ जा कि जाना मर डाली के क्या कर लो बोले गो साहब। कब से गायब है? 30 तारीख को चली गई थी रात के समय 2 बजे ले गो साहब। 13 साल की लड़की है। 13-14 साल के बीच में है बेटी।